हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। जैसा कि आपको पता है, कल कलर्स पे आपके लिए एक और नया शो आ चुका है जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी सीजन 10। इस बार का कुछ ज़्यादा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्प टास्क भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो इस बार के कंटेस्टेंट हैं, मतलब इस बार जो फीमेल कंटेस्टेंट आए हैं, वो भी इस बार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाली लड़कियाँ हैं। पहले के मुकाबले मतलब जो लड़कियाँ थी वो आगे तक नहीं जा पाती थी, क्योंकि ऑफकोर्स लड़कियों को डर बहुत ज़्यादा लगता है, और हाइट से या हाइट फोबिया हो या फिर किसी जानवर से हो, कॉकरोच से हो, लड़कों के लिए वो बहुत छोटी सी बात होती है, इसलिए लड़के उस चीज़ को ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इस बार जो करिश्मा तन्ना है, अमृता खानविलकर है, मलिष्का है और तेजस्वी है, और लड़कियों में अगर हम बात करें अदा खान है, तो ये सारी लड़कियां इस बार थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है। तो जैसा कि पहले के प्रोमोज में भी, अभी के जो प्रोमोज आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा टास्क को अच्छे से कर रही है। कल अमृता ने भी जो हाइट का टास्क था वो भी बहुत काफी अच्छे से किया, लेकिन कहीं ना कहीं सैटरडे और संडे पे आने की वजह से खतरों के खिलाड़ी सीजन की जो TRP है वो शायद कहीं ना कहीं बिग बॉस की पॉपुलैरिटी को मात नहीं दे पाएगी, जहां तक हमें लग रहा है। और अगर हम बात करें इसके अलावा शहनाज और पारस के शो की, यानी कि मुझसे शादी करोगी की, तो वहां अगर टीआरपी में दोनों का अगर कंपटीशन होता है तो मुझे लगता है शहनाज और पारस का शो आगे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों को ये बिग बॉस के अंदर भी देख चुके हैं। और इस बार का जो बिग बॉस सीजन है वो काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर भी रहा। इवन शो खत्म हो चुका है, सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार के जो ट्रेंड्स हैं उनके वीडियोज अभी भी वायरल हो रहे हैं, अभी भी उनके ट्वीट हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, और अभी भी जो बिग बॉस के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे घर को। तो शहनाज और पारस की घर में री एंट्री होने की वजह से वापस वही सब लड़ाइयां देखने को मिल रही है वापस। हालांकि कंटेस्टेंट थोड़े से चेंज गए हैं, शो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, बिग बॉस की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वो सब पूरा जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वही लड़ाई वगैरह गर्मा गर्मी जो दिखने को मिल रही है कंटेस्टेंट के बीच में वो काफी ज्यादा मतलब सिमिलर है। मतलब पहले बिग बॉस के जो इसको सिर्फ ड्रामा और सिर्फ लड़ाई दंगों की वजह से देखते हैं वो इसको अब भी देखेंगे। और अगर लड़कों की बात करें तो लड़के आए थे, एक्चुअली लड़की शहनाज के लिए थे और लड़कियां आई थी पारस के लिए, लेकिन आपस में ही एक दूसरे को डेट करने लग गए हैं। बात करें अगर यूर और जसलीन मथारू की, तो ये भी आपस में एक दूसरे के साथ इनका बॉन्ड काफी अच्छा दिख रहा है। पारस को तो छोड़ दिया है, बल्कि पारस की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का फोकस है, और पारस का भी फोकस एक ही लड़की पे है जिसका नाम है अंकिता श्रीवास्तव। वो पहले दिन से उनकी काफी बॉन्डिंग नजर आ रही है पारस के साथ। और अगर शहनाज की बात करें तो जैसा कि सिद्धार्थ की चॉइस थी बलराज की, बलराज शहनाज को काफी ज्यादा एंटरटेन करेंगे, और वैसा ही दिख रहा है। बलराज ही थोड़े बहुत अगर कोई एफर्ट कर रहा है शो में शहनाज के लिए, तो वो सिर्फ एक बलराज ही है। और अगर हम बात करते हैं बाकी के कंटेस्टेंट्स की, तो बाकी के कंटेस्टेंट में मुझे कुछ इतना ज़्यादा मतलब पैशन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक रोहन प्रीत और मैं बोल सकती हूँ जो चार्म थोड़े चार्मिंग लग रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें पहले भी देख चुके हैं सिंगिंग शो में। और बलराज और शहनाज का भी अच्छा बॉन्ड चल रहा है, अंकिता और पारस का काफ़ी अच्छा बॉन्ड चल रहा है, लेकिन ये जो शहनाज की जो एंटरटेन करने की आदत है, जो थोड़ा सा शहनाज इस शो में इतनी एंटरटेनिंग नहीं दिख रही है, मतलब अगर वो कभी डेट वेट पर जाती हैं या कुछ बात करती हुई दिखती है तो फिर भी थोड़ा सा एंटरटेन होते हैं लोग, लेकिन बजाय इसके सैटरडे संडे के जो शोज आते हैं और मंडे टू फ्राइडे जो वीकडेज पे जो शो आते हैं उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सैटरडे संडे बिग बॉस के जो फैंस थे वो मंडे टू संडे इसको देखना पसंद करते थे, और उनको रेगुलर बन चुके थे, वो बिग बॉस का घर इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे कि उनको कंटिन्यूसली देखना था उसको शो को। और फिर जैसे मुझसे शादी करोगे आया शहनाज, उनको वापस देखने को मिली कि उसी घर के अंदर वैसे ही किसी घर में 3 महीने तक बंद रहकर उसी घर में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं वो उससे दोबारा कनेक्ट होने लगे। और खतरों के खिलाड़ी में अगर बात करें तो मुझसे शादी करोगे ज़्यादा आगे निकल जाएगा TRP के अंदर। और अगर हम बात करते हैं बाकी के कलर्स के और शोज़ की, जैसे कि Nagin 4 है, हालांकि Nagin 4 अभी TRP के लिस्ट में बहुत मतलब टॉप पर चल रहा है, क्योंकि Nagin 4 के भी अभी जितने भी सीजन्स रहे हैं बहुत ज़्यादा हिट ही भी रहे हैं, और ये सीज़न को भी अच्छी ज़्यादा मतलब रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर शहनाज में अगर इस मुझसे शादी करोगे के शो में अगर और ज़्यादा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई देते हैं, अंकिता और पारस का एंगल भी अभी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, हालांकि माहिरा के साथ पारस का इतना कुछ जमा नहीं था, हालांकि पारस और माहिरा का ऐसा था, वो बोलते तो ऐसे थे कि सो कॉल्ड मतलब फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन अब बाहर आते ही दोनों के वेज अलग हो गए हैं, माहिरा और पारस का बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम बात करें आकांक्षा पूरी की, उनके साथ जो बॉन्डिंग थी उसके ऊपर भी वो काफ़ी इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं उनको दूर से ही राम राम कहता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ कुछ रखना नहीं है, ऐसा कुछ कह सके हैं। तो शायद ऐसा लगता है इस बार शहनाज तो क्या पता जोड़ी बनाए नहीं बनाए, पर पारस यहाँ से जोड़ी बना कर जाएंगे, और अंकिता जो कि उनकी पहली पसंद अभी तक चल रही है, मुझे लगता है वही उनकी आखिरी पसंद भी होगी, क्योंकि अंकिता उनको काफ़ी रिझा रही है, मतलब ना बात करके ना इम्प्रेस करके भी काफ़ी रिझा रही हैं। तो इस अगर TRP की अगर हम बात करें तो वैसे तो
जो खतरों के खिलाड़ी का सीजन है वो भी अच्छा, इसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि इस बार अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं। लेकिन हो सकता है टीआरपी की लिस्ट में खतरों के खिलाड़ी सुपर मुझसे शादी करोगे निकल जाए, लेकिन ये भी देखना होगा क्या मुझसे शादी करोगे का ये मतलब जो शो है वो नागिन को भी टक्कर दे पाता है क्या, उससे भी आगे जा पाता है क्या। खैर ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कौन किसकी जगह लेता है आने वाले दिनों में। हम तो सिर्फ देख सकते हैं कि कौन किसकी जगह लेता है, कौन किस शो को कौन सी रैंक मिल सकती है। और अगर हम शहनाज के एंटरटेनमेंट को देखें तो शायद हो सकता है ये वापस से टॉप पर बिग बॉस जैसी टीआरपी, अगर शहनाज को ही अगर हम पूरा क्रेडिट दें तो शायद बिग बॉस वाली टीआरपी वापस गेन कर सकता है मुझसे शादी करोगे। वेल ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं आपके जो भी सजेशन है कि आपको क्या लगता है कि टीआरपी की रेस में कौन सा शो है जो आपके हिसाब से आगे निकल जाएगा, और किस शो को आप देख रहे हैं कि शायद ये ऑडियंस की जो मतलब डिमांड थी उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाया, कौन सा शो है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स होंगे और भी आने वाले शोज की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो पता चल जाएंगी।